आज का हमारा अध्ययन का विषय है पूर्ति की लोच। मांग के संदर्भ में बताया गया था कि कीमत लोच प्राइस इलास्टिसिटी का सिद्धांत पूर्ति में भी लागू हो सकता है। पूर्ति के नियम के अध्ययन में हमें ये तो पता चलता है कि कीमत अधिक होने पर पूर्ति की मात्रा में वृद्धि होगी या कीमत कम होने पर पूर्ति की मात्रा में कमी होगी, परंतु ये नियम इस बात पर निश्चित प्रकाश नहीं डालता कि पूर्ति की मात्रा में ये वृद्धि या कमी कितनी होगी। वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तु विशेष को पूर्ति की मात्रा में निश्चित रूप से कितनी वृद्धि या कमी होगी, इसे जानने के लिए पूर्ति की लोच जानना आवश्यक है। अतः पूर्ति की लोच वस्तु की कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होने पर उसके फलस्वरूप पूर्ति की मात्रा में होने वाले परिवर्तन की माप है। पूर्ति की लोच का निम्न प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू पूर्ति की लोच बराबर पूर्ति की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन बटा वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। गणितीय रूप में हम इसे निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू डिफरेंस सप्लाई एंड डिफरेंस प्राइस पी बटा एस। ई एक पूर्ति की लोच को व्यक्त करने वाला संकेत है, जबकि डीएस बटा डीपी मूल्य की वृद्धि से अनुप्रेरित पूर्ति का परिवर्तन है। पीएमएस प्रारंभिक मूल्य एवं पूर्ति की मात्रा के प्रतीक हैं। उदाहरण के लिए किसी वस्तु के मूल्य 10 रुपये से बढ़कर 12 रुपये हो जाता है, वह पूर्ति 1000 इकाई से बढ़कर 1500 इकाई हो जाती है, तो पूर्ति की लोच की गणना होगी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू 50/20 या पूर्ति की लोच बराबर 2.5। पूर्ति की लोच का अवधारणा स्पष्ट होने के बाद अब हम देखते हैं कि पूर्ति की लोच की श्रेणियां कौन कौन सी हैं। मांग की लोच की भांति ही पूर्ति की लोच की भी 5 श्रेणियां हैं, जो निम्न प्रकार हैं। नंबर 1 पूर्ण लोचदार पूर्ति परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। जब मूल्य में थोड़े से परिवर्तन होने पर पूर्ति में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाए, अर्थात मूल्य थोड़े से बढ़ने पर पूर्ति बहुत अधिक बढ़ जाए या मूल्य थोड़े से कम होने पर पूर्ति बहुत अधिक कम हो जाए या शून्य हो जाए, तो ऐसी पूर्ति को लोचदार पूर्ति कहा जाता है। उदाहरण के लिए कीमत में 5% परिवर्तन होने पर यदि पूर्ति में 50% परिवर्तन हो जाए तो पूर्ति को पूर्ण लोचदार पूर्ति कहा जाता है। व्यवहार में सामान्यतः ऐसा उदाहरण देखने को नहीं मिलता है। नंबर 2 अधिक लोचदार पूर्ति। जब कीमत में परिवर्तन की तुलना में पूर्ति की तुलना में अधिक परिवर्तन हो तो ऐसी पूर्ति को अधिक लोचदार पूर्ति कहा जाता है। उदाहरण के लिए कीमत में 10% परिवर्तन होने पर पूर्ति में 15% परिवर्तन हो तो पूर्ति अधिक लोचदार कही जाएगी। इसे पूर्ति की लोच
इकाई से अधिक कहा जाएगा। नंबर 3, लोचदार पूर्ति। जब पूर्ति में उतना ही परिवर्तन हो जितना परिवर्तन कीमत में हुआ हो तो इसे लोचदार पूर्ति कहा जाता है। कीमत में 10% परिवर्तन होने पर यदि पूर्ति में भी 10% परिवर्तन हो तो इसे लोचदार पूर्ति कहा जाएगा। इसे इकाई के बराबर लोच कहा जा सकता है। अगला जो श्रेणी है वो है बेलोचदार पूर्ति, इनलास्टिक सप्लाई। यदि वस्तु के मूल्य की तुलना में पूर्ति में कम दर से परिवर्तन होते हैं तो पूर्ति को बेलोचदार पूर्ति कहा जाता है। उदाहरण के लिए मूल्य में 10% परिवर्तन होने पर यदि पूर्ति में केवल 5% ही परिवर्तन हो तो इसे बेलोचदार पूर्ति कहा जाएगा। इसे इकाई से कम पूर्ति की लोच कहा जाएगा। अगला जो बिंदु है वो पूर्ण बेलोचदार पूर्ति, परफेक्टली इनलास्टिक सप्लाई। जब कीमत में बहुत अधिक परिवर्तन होने पर भी वस्तु की पूर्ति में कोई परिवर्तन न हो तो इसे पूर्ण बेलोचदार पूर्ति कहा जाएगा। ये स्थिति काल्पनिक है। इस प्रकार पूर्ति की जो लोच की श्रेणियां हैं उनको हम देख सकते हैं और इस लोच को मापने की जो विधियां हैं वो दो विधियां इसमें प्रमुख रूप से हम देख सकते हैं। पहली विधि है आनुपातिक या प्रतिशत विधि, प्रोपोर्शनल और परसेंटेज मेथड। इस विधि में पूर्ति में होने वाले आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन में कीमत में आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन का भाग दिया जाता है। इसे सूत्र के रूप में निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू पूर्ति की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। दूसरा जो विधि है वह बिंदु या रेखा गणितीय विधि। इस विधि में पूर्ति वक्र के किसी बिंदु पर पूर्ति की लोच ज्ञात करने के लिए पूर्ति रेखा को आधार रेखा तक नीचे बढ़ाया जाता है और जिस बिंदु पर पूर्ति की लोच ज्ञात करनी होती है उस बिंदु से आधार रेखा OX पर एक लंब डाला जाता है। इस बिंदु पर पूर्ति की लोच निम्न प्रकार से ज्ञात की जाती है, वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू TQ अपॉन OQ। अगर TQ इक्वल टू OQ हो तो पूर्ति की लोच इकाई से अधिक कही जाएगी और TQ लेस देन OQ हो तो पूर्ति की लोच इकाई से कम कही जाएगी। TQ तथा OQ बराबर होने पर पूर्ति की लोच इकाई के बराबर कही जाएगी। धन्यवाद। इसी के साथ हमारा पूर्ति का जो ये वीडियो है समाप्त होता है।